नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन, जहां पर मैं आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको 11 जुलाई की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली गई डेली न्यू वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप एक भी वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? तो ये गुजरात राज्य है जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। गुजरात से पहले दो राज्य थे जिन्होंने ये क्या काम किया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जो है यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा देने वाला दिया था, और उसके बाद ये तीसरा राज्य बना है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी की चुनौती लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये प्रौद्योगिकी की चुनौती को लॉन्च किया है। ठीक है, और यह चुनौती जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन मल्ली मस्तान बाबू के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतरोही बन गए हैं? तो ये जो है सत्यरूप सिद्धांत जी है जिन्होंने माउंट ओजस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, सत्यरूप सिद्धांत जो है अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सिडले पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जलंधर में होगा, पंजाब के जलंधर में। तो इसका आयोजन जो कब होने वाला है, तो ये 3 से 7 जनवरी 2019 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा जलंधर पंजाब में होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत ही फेमस है, तो ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल में भारत का किस देश के साथ आर्थिक समझौता के संदर्भ में अर्ली हार्वेस्ट पैकेज का उल्लेख किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति मून जे इन है वो भारत के दौरे पर आए हुए थे, तो भारत के दौरे के साथ उनका 11 समझौता हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ मैन बुकर पुरस्कार विजेता के रूप में वोट दिया गया है? तो ये द इंग्लिश पेशेंट नामक एक जो बुक थी, इसको मैन बुकर पुरस्कार मिला था, तो 1992 में मैन बुकर पुरस्कार जीता गया था ये, और इसके जो लेखक है माइकल ओंटाटेजे। ठीक है, ओंटाटेजे, माइकल ओंटाटेजे एक बहुत ही फेमस राइटर है, और इनकी जो एक पुस्तक थी जो द इंग्लिश पेशेंट, इसको जो मैन बुकर 1992 में दिया गया था, और अभी फिलहाल में ये वोट हुआ है कि अभी तक के सबसे बढ़िया मैन बुकर पुरस्कार का पुस्तक कौन सी, तो इसको मिला है द इंग्लिश पेशेंट को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में मोबाइल सहायता केंद्र साथी लॉन्च किया है? साथी नामक एक संस्था को लॉन्च किया है, तो इसका जो कौन सी सशस्त्र पुलिस बल है, तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने इसको लॉन्च किया है, साथी नामक मोबाइल सहायता केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने का मुकाम हासिल कर लिया है? तो ये MS धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने ये तीसरे भारतीय बल्लेबाज ऐसे बने कि जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जिससे पहले जो सचिन तेंदुलकर थे और राहुल द्रविड़ थे, इन्होंने 500 मैच खेले थे, और इसके बाद ये तीसरे नंबर पर बने हैं। दोस्तों, कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी डेली न्यू वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यकीन ना हो तो आप हमारी सारी वीडियो को देख लीजिए, मैंने कम से कम 103 वीडियो पोस्ट कर दी है, तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल चैनल है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारी सारी वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है,
नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी से ही है, तो यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस 2019। ठीक है, तो इसका जो प्रवासी दिवस, आपको ही पता है कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो एक बहुत ही फेमस है, तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। और इस समारोह का जो विषय है इस बार का, तो नया भारत बनाने में भारत प्रवासियों की भूमिका होगी। ठीक है, ये 2019 का ये विषय रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हम आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो सर आपके लिए एक लाइक तो बनता है। और इस पीडीएफ को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।